हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ मैं आज के डेट में। RRC, NCR, RRB इलाहाबाद से लेकर आया हूँ दोस्तों। ग्रुप डी 2018 वेटिंग कैंडिडेट्स की पोस्ट अलॉटमेंट हो चुकी है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी उन सभी कैंडिडेट्स का जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारी पोस्ट अलॉटमेंट कब आएगी। मैं याद दिला दूं कि 29 तारीख को, लास्ट मंथ के 29 तारीख को, 29 मई को डिवीज़न अलॉटमेंट आया था और आज के डेट में उनको पोस्ट अलॉटमेंट कर दिया गया है। मीन्स कितने दिन के अंतराल में किया गया है, आज हो गया दोस्तों, आज 22 जून है, तो 22 और लगभग 2 दिन और जोड़ लीजिए, 2 दिन मान के चलिए, तो 24 दिन के बाद ये अपडेट आ गई है। तो बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। ज्वाइनिंग लेटर जुलाई अगस्त में आने की पूर्ण संभावना है। नेक्स्ट पैनल जुलाई एंड और अगस्त तक में आ ही जाना चाहिए दोस्तों। कट ऑफ कितनी कम होगी नेक्स्ट पैनल के लिए, इस पर चर्चा होगी इस वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिनको जिनको ट्रैक में मिला है पोस्ट, तो उनको बहुत सारे डाउट्स है कि काश हमको पॉइंट्समैन मिल जाता है ना, तो इन दोनों जॉब का कौन सा जॉब सही है ना, तो इस पर भी चर्चा होगी। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में आपको सारे एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जॉब अपडेट्स मिलेंगे, जॉब प्रोफाइल मिलेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में वो मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। आंसर किस मिलेगी, रिजल्ट अपडेट मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट मिलेगा, मीन्स A to Z सब चीज़ आपको अपडेट मिलेगी। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कुछ कैंडिडेट्स का मैं उनका पर्सनल डिटेल साइट किया हुआ हूँ, है ना। विष्णु जी का देख सकते हैं यहाँ पर, अलॉटेड डिवीज़न सीनियर DPO इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद और झांसी एंड आगरा, तीन डिवीज़न है आपका, मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं। और इसमें जिसको जो डिवीज़न मिलता है दोस्तों, उनको उसी डिवीज़न से कांटेक्ट करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर आप इलाहाबाद आपका ज्वाइनिंग मिल रहा है और आप कॉल कर रहे हैं आगरा में, तो आपको इससे जो नेक्स्ट जो ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो डायरेक्ट आप उनसे कीजिए, इलाहाबाद से सीनियर DPO से कॉल कीजिए, ठीक है दोस्तों। और इनको जो पोस्ट मिला देख सकते हैं, हेल्पर मैकेनिकल कैरेज एंड वैगन, ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर और कुछ कैंडिडेट्स का, मयंक जी का देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं इनको मिला है TM4, ठीक है। और यहाँ पर और देखिए दीपक सिंह जी का, ठीक है दोस्तों, इनको झांसी मिला है, इनको भी TM4 मिला है। और इनको कौन सा मिला था, इनके में शो नहीं हुआ है अलॉटेड डिवीज़न इसमें, और यहाँ पर देख सकते हैं इलाहाबाद झांसी, ठीक है। मतलब जिनको शो नहीं हुआ तो समझ जाइए उनका कौन सा होगा, आपका आगरा होगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों कि पोस्ट अलॉटमेंट हो चुकी है आफ्टर 24 डेज समथिंग। अब बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट पैनल ज्वाइनिंग लेटर अब कब आएगी दोस्तों आप लोगों की। तो ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों 1 से 1.5 महीना के अंतराल में एनी हाउ आ जाती है। तो हम मान सकते हैं अगर कार्य जल्दी होता है तो July 15 तक आ जाना चाहिए, वरना जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में एनी हाउ आ ही जाना चाहिए दोस्तों। कुछ प्लस माइनस हो सकता है, ये सारे चीज़ दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस में कहता हूँ। जो जब मैं खुद ग्रुप डी का वेट करता था कि ज्वाइनिंग कब होगी, वो सारे चीज़ के हिसाब से मैं रिकॉर्ड देख के चलता हूँ दोस्तों। क्योंकि हमारी भी जब पोस्ट अलॉटमेंट हुई थी, उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद ज्वाइनिंग लेटर आई थी, और उसके जस्ट 10-15 दिन के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये समझिए अगस्त सेप्टेम्बर तक आपका एनी हाउ आप नौकरी में रहेंगे, अगर सब चीज़ सही चलता रहा तो, ठीक है। क्योंकि अभी काफ़ी कोरोना का भी पेशेंट चल रहे हैं, आप समझ सकते हैं UP में, तो काफ़ी सावधानी बरत के सब काम चलेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैनल कब आएगी। तो दोस्तों लगभग 700 to 800 कैंडिडेट्स का अभी भी बचा है ना नेक्स्ट DV के लिए, नेक्स्ट पैनल के लिए जो 5वां पैनल होगा, तो समथिंग अराउंड उनका भी जुलाई एंड और अगस्त तक में आ ही जाना चाहिए दोस्तों पैनल, ठीक है। अब कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इस पर कोई अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता कि इकट्ठा कर देगा पैनल को, क्योंकि पैनल दो हिस्सों में भी ब्रेक होकर आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स लोग अटेंड करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड DV की कट ऑफ की, है ना, और नेक्स्ट जो कट ऑफ कितनी डाउन हो सकती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए दोस्तों जनरल की 74.57 गई है,
जबकि ओबीसी की 74.16 गई है, एससी की 66.24 गई है एंड एसटी की 56.34। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, 0.1 से 0.5 तक में ही है ना, आपका कम से कम 200 से 400 कैंडिडेट्स लोग आराम से होंगे, ठीक है। तो आप मोटा मोटी अगर देखा जाए, कुल कैंडिडेट्स मान के चले जितने भी हैं 700 to 800 कैंडिडेट्स मान के चले बचते हैं, तो इनके लिए कट ऑफ की अगर मैं अनुमान करूं तो कितना कम होना चाहिए दोस्तों, तो 0.5 से 0.8 या मैक्सिमम 1 मार्क्स, बहुत हो जाता है 1 मार्क्स तो, इतने तक में ही दोस्तों सिमट के रह जाती है। क्योंकि मैं अगर बिलासपुर की बात की जाऊँ करूँ दोस्तों, तो 0.1, 0.2 से चुके हैं, कई लोग तो 0.01 ऐसे से भी चुके हैं दोस्तों। तो मैं आप लोग को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ कि कितना मार्क्स में सिलेक्शन होता है। आशा करता हूँ कि 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाए, अगर इससे भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से कम हो जाए, बट मेरे जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 0.5 से मैक्सिमम 1 नंबर तक कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब ये बात करते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा डाउट्स जो है कैंडिडेट्स को, ठीक है, कि ट्रैकमैन और पॉइंट्समैन जॉब, हेल्पर की जॉब या ग्रुप डी की अदर जॉब की कंपैरिजन करते हैं ट्रैकमैन से, है ना, क्योंकि ज़्यादातर पोस्ट दोस्तों ट्रैकमैन ही होता है। और क्योंकि ये जॉब सुनने में ही डर लगता है, क्योंकि ये इस जॉब में बहुत मेहनत है दोस्तों, मैं खुद एक ट्रैकमैन हूँ कहा जाए तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यही डिस्कस करूंगा मैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रैकमैन और पॉइंट्समैन या अदर ग्रुप डी की जो भी पोस्ट मिलती है उसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों। तो सबसे अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, देखिए दोस्तों सभी जॉब्स बेस्ट है अपने जगह में, मैं इतना कहना चाहूँगा। पॉइंट्समैन ट्रैकमैन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी पोस्ट है ग्रुप डी में, उन सभी पोस्ट में दोस्तों मेहनत बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू ट्रैकमैन, मैं आप लोग को साफ क्लियर कट बता दूँ। बट फ़र्क ये पड़ जाता है दोस्तों, जिस 8 घंटा की ड्यूटी में, ठीक है, पॉइंट्समैन लोगों की पेमेंट 22 से 23 हज़ार रुपये बनेगी, वहीं पर दोस्तों आप लोगों की पेमेंट 27 से 28 हज़ार रुपये तक है ना प्रति मंथ बनेगी, ठीक है। इससे पहले मैं ग्रुप डी 2018 के ऊपर लगभग 100-150 वीडियोस बना चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है, ठीक है, ट्रेनिंग में क्या क्या एग्ज़ाम्स पूछे जाते हैं, फर्स्ट मंथ की सैलरी कितनी होती है, मैं खुद अपने सैलरी का स्लिप का शो किया हूँ उसमें, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों जिस 8 घंटा की ड्यूटी में, ठीक है, भली आराम है लेकिन उनको 22 से 23 हज़ार मिलता है, जबकि ट्रैकमैन लोगों का पेमेंट दोस्तों 26-27 हज़ार तक मैक्सिमम और भी बढ़ जाता है। अगर आपका सबसे ज़्यादा इसमें प्लस पॉइंट रहता है दोस्तों, रिस्क अलाउंस इसमें मिलता है 2700 रुपीज़, जो अदर पोस्ट में नहीं मिलता। और साथ में दोस्तों टीए बहुत बनता है, अगर आप अच्छे यूनिट में हैं और आपका काम ज़्यादा पड़ता है, किसी आपको सेक्शन में जाना पड़ता है, तो कम से कम 3 से 5 दिन का टीए, और हर एक दिन का टीए दोस्तों 350 रुपये मिनिमम होता है और मैक्सिमम 500 रुपये होता है, अगर आप पूरा घंटा काम करते हैं, है ना, आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो आपका 500 रुपये बनता है, वरना 350 रुपये बनता है दोस्तों, ठीक है, एक दिन का टीए। तो आप एक मान के चलिए 350 का अगर आप 3-4 गुना से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 1050 रुपये हो गया टीए, और आपका देखिए 18 हज़ार आपका बेसिक पेमेंट रहेगा, ठीक है, वेट अ मिनट, 18 हज़ार आपका बेसिक हो जाएगा, ठीक है, एचआरए दोस्तों आपका 1800 हो जाएगा, ठीक, आपका जो डीए है समथिंग वो 3000 समथिंग बनेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आप और जोड़ लीजिए तो इसमें आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस करके मिलेगा समथिंग 1000, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, 1030 रुपये समथिंग कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है दोस्तों, ठीक है, तो इतना जोड़िए, और इसके बाद आपका रिस्क अलाउंस जोड़िए 2700, उसके बाद आप टीए जोड़िए समथिंग अराउंड 1000 से 2000 तक, वो बहुत ही जाता है अगर आपके सेक्शन में ज़्यादा काम होता है, तो इस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो 25 से 28 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी। तो सैलरी ज़्यादा है, काम
सैलरी ज़्यादा है, उस हिसाब से काम भी इंडियन रेलवे लेता है। इसलिए ट्रैक मैन में अगर आप लोग का सिलेक्शन हुआ है तो इसमें आप निराश मत होइए, क्योंकि ये पोस्ट में सिर्फ काम ज़्यादा है दोस्तों, और काम भी ऐसा है कि 4 घंटा काम कर दिया आप 8 घंटा में से तो बहुत है दोस्तों, उसके बाद आपको काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप शांति से बैठ के पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके साथ भी ये भी डाउट होता है कि क्या ट्रैकमैन कि हम काम करते करते घर में जाके क्या पढ़ाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, आराम से आप लोग के पास 4 से 5 घंटा उसके बाद भी बचेगा। ठीक है, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि बेस्ट टाइम मैनेजमेंट इवन आफ्टर आप ड्यूटी में रहते हैं उसके बाद आप कैसे तैयारी करें, उस पर भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो मैं आप लोग को सारा पोस्ट का कंपैरिजन बता चुका हूँ कि सारे पोस्ट में ट्रैकमैन के अलावा सारे पोस्ट में पेमेंट बस कम है, भली काम भी कम है, और ट्रैकमैन में काम ज़्यादा है तो पेमेंट भी ज़्यादा है दोस्तों, और किसी पोस्ट में ग्रुप डी में पेमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि सारे विभाग में जितने भी ग्रुप डी की वैकेंसी आई है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैकमैन की ही वैकेंसी थी दोस्तों, ये तो स्वीकार योग्य है, और आने वाले जो भी वैकेंसी बची है वो भी ट्रैकमैन में ही जाएगी ज़्यादातर, क्योंकि बाकी पोस्ट कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएंगे, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।